हेलो हेलो एवरीवन, कॉमर्स तुम्हें प्रणाम है। आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे कि निष्पादन मूल्यांकन की विधियां व तकनीकों को, जिसमें हमने यह जाना कि यह जो विधियां होती हैं, यह जो तकनीक होती हैं, वह दो प्रकार की होती हैं, ट्रेडिशनल मेथड एंड आधुनिक तरीके होते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोगों ने बहुत सारे मेथड को हमने देखा, जिसमें से कुछ हमने मेथड क्लियर किए, जिसमें पहला रैंकिंग मेथड, सेकंड हमने क्लियर किया पेयर्ड कंपैरिजन मेथड, थर्ड हमने क्लियर किया ग्राफिक स्केल मेथड, एंड फोर हमने क्लियर किया फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, एंड फाइव चेकलिस्ट मेथड। शायद इतना हमने क्लियर किया। आगे की हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें सिक्स पॉइंट है आपका फील्ड रिव्यू मेथड। अगर आपने पीछे का नहीं क्लियर किया है तो पीछे की क्लास आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। तो सिक्स पॉइंट है आप लोग का फील्ड रिव्यू मेथड, क्षेत्र समीक्षा विधि। देखिए, इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि क्षेत्र फील्ड, फील्ड का मतलब होता है कि जहाँ पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वहाँ पर आप लोग पहुँचें, और जिस फील्ड पर वो काम कर रहा है, मतलब कि जहाँ पर वो काम कर रहा है उस जगह जाकर जब आप उससे कोई भी जानकारी कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड रिव्यू मेथड। फील्ड रिव्यू मेथड का मतलब समझ में आ गया। फील्ड का मतलब कि जिस पे जहाँ वो काम कर रहा है उस जगह अगर हम लोग पहुँचते हैं और वहाँ पर जाके उसका वैल्यूशन करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड रिव्यू मेथड। सो यह मेथड जो होता है वैसे काफ़ी पॉपुलर है, और ध्यान रखें कि यह पॉपुलर हमेशा वहीं यूज़ होता है जहां बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है वो बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है, बहुत ही बड़ा संगठन है, वहां पर यह मेथड यूज़ किया जाता है। एक्चुअली में यह जो मेथड यूज़ किया जाता है, यह पर्सनल जो डिपार्टमेंट होता है उसके थ्रू किया जाता है। पर्सनल डिपार्टमेंट का मतलब सीवी वर्गीय विभाग, सीवी वर्गीय विभाग का मतलब जो काम देखते हैं एम्प्लॉयज़ का, एम्प्लॉयज़ को जो रखने वाले होते हैं, एम्प्लॉयज़ को जो क्या काम कराना है, जो ये अपॉइंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पर्सनल डिपार्टमेंट सीवी वर्गीय विभाग, क्योंकि वही यह बता पाते हैं कि सेवा वर्गीय विभाग के अधिकारी किससे कितना काम लेना है और किसके अंडर में कौन लोग हैं, तो ये उसके द्वारा ही कराया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर होता क्या है, कि इसमें जो अधिकारी होता है, जो मूल्यांकन करता होता है, वह कार्यस्थल पर पहुंच जाता है और वहां से पर्यवेक्षक से यानी एम्प्लॉयज से मौखिक जानकारी एकत्र कर लेता है, और जो जो जानकारी वो इकट्ठा करता जाता है उसको वो फिर सीरियल वाइज लिखता जाता है, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखता जाता है, और फिर वो अपनी बाद में टिप्पणी लिख देता है उस पर। टिप्पणी का मतलब अपना व्यू लिख देता है। जैसे सपोज करो कि ए के पास गया, वो एम्प्लॉयज़ के पास, ए से ए के पास गया, उससे क्वेश्चन पूछे, आपको कैसा महसूस होता है, आप क्या करते हैं, कितना प्रोडक्शन करते हैं, सारी तमाम बातों की जानकारी उससे की, सिस्टमेटिक तरीके से लिखा, और लिखने के बाद अपना कंक्लूजन उसने दिया, उसे हम लोग टिप्पणी कहते हैं, और उसने उसको लिख के दिखा दिया कि आपकी यह परफॉर्मेंस है, ठीक है ना। और अगर उसमें कुछ सुधार करना है तो वह संशोधन भी हतियात कर देता है। मोस्टली क्या होता है कि इसमें जो भी मूल्यांकन करता होता है वो तीन कैटेगरी में इनको बांट देता है, बहुत अच्छा जिसको हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, उसको हम लोग बोलते हैं कि ऊंचा हाई लेवल का वर्क, और अगर सेटिस्फाई काम किया है तो उसे एवरेज कह देते हैं, और नॉर्मल सामान्य, तीन श्रेणियों में हम लोग मोस्टली इसको बांटते हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात आपको ध्यान में रखनी है कि यह जो भी काम किया जाता है वह जो हाई लेवल के अधिकारी होते हैं, जो डिपार्टमेंटल के हेड होते हैं, उसके द्वारा यह काम करा जाता है, क्योंकि वही जानते हैं कि फील्ड पर कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। और यह जो किया जाता है इंटरव्यू के थ्रू किया जाता है, इंटरव्यू मानो साक्षात्कार के थ्रू, यानी जाते हैं फील्ड पर और उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, उसके थ्रू ये जानकारी हम लोग निकाल के लाते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल उसके थ्रू किया जाता है। तो फील्ड रिव्यू मेथड में आपने समझ लिया कि फील्ड रिव्यू मेथड में सीधी सी एक बात में अगर मैं कहूँ एक लाइन में, तो फील्ड पे जाके जब हम किसी भी एम्प्लॉयज़ का एनालिसिस करते हैं, उसका वैल्यूशन करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं फील्ड रिव्यू मेथड। अब फील्ड रिव्यू मेथड के बाद नेक्स्ट आपका आता है कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड। कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड, गोपनीय प्रतिवेदन विधि। देखिए, ये एक्चुअली में क्या है कि गोपनीय प्रतिवेदन, गोपनीय का मतलब होता है कि जिसमें चुपचाप कॉन्फिडेंशियल रूप से जो है किसी भी एम्प्लॉयज़ को एनालिसिस किया जाए और फिर जो है उसका जो है कैलकुलेशन किया जाए, वैल्यूशन किया जाए। तो यह मेथड जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ,
बहुत ज़्यादा कंपनियों में फॉलो किया गया। क्यों? क्योंकि इस विधि में क्या होता है कि प्रत्येक कर्मचारी जो भी होता है गोपनीय रूप से एक या एक से अधिक वरिष्ठ पदाधिकारियों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। यानी किसी भी कर्मचारी का जो भी वैल्यूएशन किया जाता है वो या तो एक एम्प्लॉयज़ कर सकता है या एक से ज़्यादा भी उस एम्प्लॉयज़ का वैल्यूएशन करते हैं। और कर्मचारी के जो निकट रहने वाले अधिकारी होते हैं उनके द्वारा मोस्टली ये काम किया जाता है, और वो वही इकट्ठा करता है कि उसकी योग्यता कितनी है और उसका बिहेव कैसा है, इसके बारे में वो चुपचाप सारी जानकारी इकट्ठा करता रहता है। जो गोपनीय वो रिपोर्ट तैयार करता है, रिपोर्ट में क्या लिखता है वो कर्मचारी का व्यवहार देखता है, उसके कार्य का रिजल्ट्स देखता है, कॉपरेशन कितना है उसके अंदर, कैपेसिटी कितनी है उसके अंदर, एक्साइटमेंट उत्साह है या नहीं है, संगठन के प्रति निष्ठावान है या नहीं है, नेतृत्व की क्षमता उसमें है या नहीं है, उत्तरदायित्व रेस्पॉन्सिबल वो है या नहीं है, या वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है, इन सब तमाम बातों की जानकारी जो की जाती है वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में वो अपनी लिख नोट करता रहता है। और जो यह रिपोर्ट तय की जाती है, जो ये रिपोर्ट में लिखा जाता है, इस रिपोर्ट के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि उस कर्मचारी का वेतन कितना बढ़ाया जाए, उसको प्रमोशन कितना दिया जाए, कहाँ पे दिया जाए, ट्रांसफ़र करा जाए तो क्यों किया जाए, ये सब तमाम बातों की जानकारी उसी रिपोर्ट पर तैयार की जाती है। यह यूँ भी अच्छी मानी जाती है क्योंकि कॉन्फिडेंशियल ये काम होता है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है कि एम्प्लॉयज़ को यह पता ही नहीं होता है कि उसका वैल्यूशन हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि ये जो वैल्यूशन किया जाता है यह खुद एम्प्लॉय से क्वेश्चन पूछ के भी किए जा सकते हैं, या उसके ऊपर जो अधिकारी होता है उससे पूछ के, या उसके आसपास के जो लोग होते हैं उससे पूछ के उसका एनालिसिस किया जाता है। तो अगर विशेषता की बात करूँ मैं इसमें, तो इसमें क्या होता है कि कर्मचारी के सारे गुण और विशेषताओं का उल्लेख रहता है, उसकी जो है डेली जो है शैली जो होती है, निरंतर जो कार्यशैली कर रहा है, निरंतर जो व्यवहार कर रहा है, उसके आधार पर उसका वैल्यूएशन किया जाता है और चुपचाप किया जाता है, तो इसलिए यह अच्छा माना जाता है। बट मुझे लगता है कि इसमें कुछ दोष भी है। यह दोष यह हो सकता है कि यह खाली विवरण दे सकता है, डिस्क्रिप्शन दे सकता है, यह कोई आंकड़े नहीं दे सकता। क्योंकि भाई हम आंकड़े कैसे देंगे, जब आप कॉन्फिडेंशियली चेक कर रहे हैं तो हम उसको जो है कभी भी जो है हम लोग उसके लिए क्या करेंगे कि उसको डेटा नहीं दे सकते, डेटा तो है ही नहीं हमारे पास। भाई हमें जो लोगों ने बताया उसके आधार पर हमने उसका वैल्यूएशन कर लिया, तो अब डेटा के आधार पर करेंगे तो प्रोडक्शन कुछ और निकल के आएगा, उसने कह सकता है कि सर मैंने तो इतना प्रोडक्शन किया था। तो इसलिए ये जो होते हैं इसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिस्क्रिप्टिव होती है, वो डेटाबेस नहीं होती है। तो इसमें एक तो प्रॉब्लम ये होती है, दूसरी प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि इसका मूल्यांकन निष्पक्ष हो, ये संभावना भी कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जिससे पूछा जाता है उसके अपने व्यक्तिगत मत हो सकते हैं, उसमें अपनी द्वेष की भावना हो सकती है उसके प्रति, तो वो हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन दे दे या गलत तरीके से बता दे, जिसके कारण से हो सकता है कि वह जानकारी गलत दे दे और यह रिपोर्ट जो है वो बेकार होकर निकल के बाहर आ जाए। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट मेथड है आपका देखिए फोर्स चॉइस मेथड। फोर्स चॉइस मेथड का मतलब है बलात् चयन विधि। देखिए फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ा था हमने, कभी आप कंफ्यूज हो जाए, वो था बलात् वितरण विधि, ठीक है ना। यानी डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर यूँ कहा गया क्योंकि हमने वहाँ पर कैटेगरी में बांटा, डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी 10% ये वाले, 20% ये वाले, 20% ये वाले, 40% ये वाले, 20% ये वाले, 10% ये वाले, ऐसे करके हमने वहाँ पर बांटा कि 10% लोअर लेवल के, 10% लो एवरेज के, 20% एवरेज, 10% हाई लेवल, 40% हाई, ऐसे करके हमने बांटा। तो वो था फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। यहाँ पे है फोर्स चॉइस मेथड। फोर्स चॉइस मेथड का मतलब हो गया कि एम्प्लॉयज़ में हम लोग क्या काम करेंगे कि यहाँ पर चॉइस करनी पड़ेगी। चॉइस में दो ही चॉइस हमारे पास होंगी, या तो सबसे अच्छा होगा या सबसे बेकार होगा। चॉइस में हमारे पास ध्यान रखना कि जब भी कभी चॉइस की बात आपसे करे तो चॉइस का मतलब आपसे कहना है कि या तो अच्छा चुनो या बेकार चुनो, दोनों में से कोई एक चुनो। उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स चॉइस मेथड। देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको। एक्चुअली में होता क्या है कि जो ये फोर्स चॉइस मेथड है यह क्या काम करती है कि एक ही तथ्य को पकड़ लेती है, एक ही फैक्ट को पकड़ लेती है और उसके अलग अलग कथन दे दिए जाते हैं।
ठीक है ना। जैसे सपोज़ करो कि मान लीजिए कि प्रोडक्शन हमारा ज़्यादा नहीं हो पाया, ये हमारा एक फैक्ट पकड़ लिया हम लोगों ने। अब इस फैक्ट में हम लोग पहले बहुत सारे कथन डिटर्मिनेट कर लेंगे पहले से ही कि प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि कर्मचारी हमारे यहाँ कम थे, एक कथन। दूसरा, कर्मचारी तो थे लेकिन उन्होंने ढंग से काम नहीं किया। तीसरा, हमारे पास मशीनें अच्छी नहीं थी। चौथा, हमारे पास हो सकता है कि पीछे से रॉ मटेरियल नहीं आ पाया जिसके कारण से प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाया। पांचवा, हमारे पास जो है जो नेतृत्व शक्ति थी, जो लीडरशिप थी, वो उन्होंने काम ढंग से नहीं करवाया। छठा, हो सकता है कि जो है हमारे पास नेचुरल रूप से किसी काम को बंद करने की गवर्नमेंट ने आज्ञा दे दी हो जिसके कारण से प्रोडक्शन नहीं हो पाया। तो देखिए, इवेंट्स एक है प्रोडक्शन कम होना, और हमने बहुत सारे जो कथन है वो क्रिएट कर लिए। तो इनमें से कोई सा एक कथन पकड़ के अलग जो हम चॉइस करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स चॉइस मेथड। तो इसमें से हमें दो ही चीज़ चेक करनी है, तो बहुत अच्छा या बहुत बुरा। तो इसको हम लोग कहते हैं फोर्स चॉइस मेथड। तो इसमें क्या होता है कि जो कथन होते हैं वो कथन में से व्यक्ति के, यहाँ पर पर्सन के संबंध में होते हैं क्योंकि हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज एनालिसिस को पढ़ रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल को पढ़ रहे हैं। तो उसमें से कोई सा एक कथन चूज करना पड़ता है जो उस व्यक्ति के ऊपर सबसे उचित बैठता है। ऐसे हम क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं किसी भी पर्सन के ऊपर और उसमें से कोई सा एक चूज कर लेते हैं जो उस पर्सन के ऊपर फिट बैठता हो, ठीक है ना। तो मूल्यांकन को कर्मचारी की योग्यता के संबंध में दी गई श्रेणियों यानी सबसे अधिक उपयुक्त या सबसे कम उपयुक्त, मोस्ट अप्रोप्रिएट या लीस्ट अप्रोप्रिएट, दो भागों में हम लोग पार्ट लेते हैं और इसमें अंक भी दिए जाते हैं और अंकों के योग के आधार पर ही हम कर्मचारी की योग्यता का अंकन कर लेते हैं। यानी जो हमने क्वेश्चन बनाए हैं उन क्वेश्चन पे हम लोग रैंक देंगे, रैंक का मतलब नंबर देंगे, और फिर उन नंबर का टोटल लगाएंगे, उसके आधार पर हम लोग वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो इसमें एक टेबल बनाई जाती है, टेबल के थ्रू मैं टेबल का इसका एग्जांपल यहाँ पे हाँ देखिए दे रखा है आप लोगों को। यहाँ पर इस टेबल की हेल्प से हम लोग यहाँ पर इसको डिसीजन ले पाते हैं। देखिएगा, जैसे दिख ही रहेगा, आपके सामने दिख रहा होगा कि मूल्यांकन करने वाले को कर्मचारी की योग्यता के संबंध में दी गई श्रेणियाँ जैसे सबसे अधिक उपयुक्त, सबसे कम उपयुक्त, देखो दो भागों में बांटा, मोस्ट अप्रोप्रिएट लीस्ट अप्रोप्रिएट, किस में से किसी एक श्रेणी का चयन करना पड़ता है। इन कथनों की श्रेणियों में अंक भी प्रदान किए जाते हैं, देखिए अंक दिए हैं 4, 5, 2, 1, 3, और इनका योग करके कर्मचारी की योग्यता का आंकन किया जाता है। जैसे 3 और 1 4 और 2 6, 6 नंबर इसके बैठ रहे हैं, 4 और 5 9 बैठ रहे हैं, तो यहाँ पर ये ज़्यादा है तो इसका मतलब वो सबसे अधिक उपयुक्त है, वो आदमी ठीक है काम करने के लायक है। जैसे एक ही पॉइंट हमने चॉइस कर लिया एक ही पर्सन पे कि वो अपने कार्य के लिए उपयुक्त है या नहीं है, तो 4 मार्क्स उसको मिले। यहाँ पर सहयोगी में लोकप्रिय है या नहीं है तो कम है, इसलिए यहाँ पर 2 वाले में दिया। शील्ड निर्णय नहीं ले सकता, 1 मार्क्स दिया। आलोचना सह स्वीकार नहीं कर सकता, 5 मार्क्स दिया। यहाँ पे स्व अभिप्रेरित नहीं है, तो मतलब स्व अभिप्रेरित नहीं है, अगर नहीं है तो हम लोग पहुँचेंगे कि सबसे कम में पहुँचे और वहाँ पर उसको 3 अंक मिले। यानी कहने का मतलब, देखो ये जो अंक दिए गए ना ये इस आधार पर दिए गए हैं कि पहले क्या कर रहा है कि वह अपने काम के लिए उपयुक्त है या नहीं है, तो हमको ये चेक करना है। तो उसने कहा कि हाँ उपयुक्त है, उपयुक्त है तो इस कैटेगरी में चला जाएगा। अब हम रैंक उसको जो है नंबर देंगे कि कितना उपयुक्त है। जैसे मान लीजिए 10 मार्क्स हम लोग 10 लेके चल रहे हैं, तो 10 में से या 5 लेके चल रहे हैं, तो 5 में से 4 कि अपने कार्य के लिए उपयुक्त है, 4 का मतलब 80% वो अपने काम के लिए उपयुक्त है। जैसे सहयोगियों में लोकप्रिय है या नहीं है, यानी अपने दोस्तों में वो लोकप्रिय है या नहीं है, तो यहाँ पहुँचे कि नहीं है। अब नहीं है तो कितना नहीं है, तो सिर्फ 20% नहीं है। ऐसे करके जब हम लोग इसको वैल्यू करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स चॉइस मेथड, बलात् चयन विधि, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग एनालिसिस करते हैं, और नेक्स्ट है आपके सामने क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड का मतलब हो गया आलोचनात्मक घटना विधि। देखिए आलोचनात्मक का मतलब होता है कि जब किसी भी कर्मचारी की कमियों को देखा जाए, सिर्फ कमियों को ढूंढा जाए, उनकी कमियों पर ही टिप्पणी की जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड।
क्रिटिकल का मतलब समझ में आ गया ना, कि आलोचना। आलोचना का मतलब कि सिर्फ कमियों को पकड़ना और कमियों के आधार पर उसको डिसाइड करना, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। यानी इसमें कर्मचारी की योग्यता का जो मूल्यांकन किया जाता है, वह कार्य निष्पादन यानी कार्य को करने के दौरान जो घटनाएं होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उसके आधार पर किया जाता है। तो यह कर्मचारी की सफलता और असफलता में अंतर करवाता है, या तो सफल या असफल। तो सफलता और असफलता में अंतर जो होता है वो इसी मेथड से हो पाता है। तो जब भी कोई कर्मचारी ऐसा कार्य करता है जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक होता है, तो उसका उल्लेख कर्मचारी के रिकॉर्ड में कर दिया जाता है, कर्मचारी की डायरी में लिख दिया जाता है, रिकॉर्ड में लिख दिया जाएगा, जिससे कर्मचारी की सफलता विफलता की श्रेणी में रखकर उस पर आलोचनात्मक व्याख्या की जाएगी और उचित निष्कर्ष बाद में फिर निकाले जाएंगे। क्योंकि अगर ये लिख दिया जाता है तो उस लिखने के आधार पर ही यह तय किया जाता है कि कर्मचारियों के लिए हमें प्रशिक्षण की आवश्यकता है या नहीं है, उसे फ्यूचर में ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर आलोचनात्मक ज़्यादा है यानी क्रिटिकल, उस पर जो टिप्पणी लिखी गई है वो ज़्यादा ख़राब है, तो उसको ट्रेन करके उस पर हम उसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसे ठीक करा सकते हैं, उसे हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो यह ट्रेडिशनल मेथड के हम लोगों ने आज सारे जो पॉइंट्स हैं हमने क्लियर कर लिए हैं इसमें। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम लोग मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक्स को पढ़ेंगे। मॉडर्न मेथड्स एंड टेक्निक्स जो है वो आजकल एग्ज़ाम में बहुत आ रही हैं, तो उसको हम लोग जो है कल एनालिसिस करेंगे। आज आप ट्रेडिशनल मेथड के जितने भी सारे पॉइंट्स हैं उसको सबको रिवाइज़ कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। कल फिर पुनः मुलाकात होगी, इसी आशा के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आपका भविष्य उज्ज्वल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।